उज्जैन जिले के महिदपुर तहसील में लगने वाला गंगावाड़ी मवेशी मेला महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शुरू हो गया। इस ऐतिहासिक गंगावाड़ी मेले का शुभारंभ हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि क्षेत्र के विधायक बहादुर सिंह चौहान ने पूजा अर्चना और अभिषेक कर मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी कैलाश चंद ठाकुर, मुख्य नगरपालिका अधिकारी कैलाश चंद वर्मा, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष कैलाश राठी, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष श्रीमती उमा पांडे सहित वरिष्ठ नेता और गणमान्य नागरिक एवं नगर पालिका के सभी कर्मचारी उपस्थित थे। ये मवेशी मेला 20 दिन के लिए लगता है और जिसमें बाहर के कई व्यापारी आते हैं। 2 साल से कोरोना की मार झेल रहे गंगावाड़ी मवेशी मेला नहीं लगा, लेकिन इस वर्ष लग रहा है तो लोगों के चेहरे पर मुस्कान है और व्यापारी वर्ग में भी काफी खुशी की लहर देखी गई है। अभी बाइट में बोला है कि इस मेले को लगते लगते 99 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। कोरोना कारण जो है ये मेला 2 वर्षों के लिए बंद हो गया था, तो हमारे लघु व्यापार करने वाले छोटे छोटे जो व्यापारी हैं उनके व्यवसाय नहीं हो पा रहे थे। इस मेले में साल भर का धन अर्जित छोटे छोटे व्यापारी कर लेते थे और उनका परिवार उस कारण चलता था। मेरे पास और एजडमसा के पास यहाँ के नगर के कई व्यापारी छोटे छोटे आए थे। हम लोगों ने जिलाधीश से आग्रह करके मेला लगाने का आग्रह किया, उनने भी परमिशन दी और ये मेला बहुत अच्छा संपन्न होगा। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हमारे पूर्वजों ने परंपरा प्रारंभ की थी, इसको जीवित रखना वर्तमान जो भी जनप्रतिनिधि भिन्न भिन्न दलों के हैं उनका सबका नैतिक दायित्व है। मैंने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी आग्रह किया है कि इस मेला में अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ें हमेशा जाए ताकि मेले में आम लोग आकर्षित होकर ये मेला बड़ा प्रभावी बने। ये और मैं आज चूँकि महाशिवरात्रि है, हम सब लोग उपवास हैं, बोध बाबा महाकाल बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सबके जीवन में आनंद बना रहे, खुशियाँ बने रहे, यही कहना चाहता हूँ।